जय हिंद गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जो हम लोगों का कक्षा 12 का चैप्टर दूसरा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो गाइस, जैसे कि चैप्टर 1 में हम लोग जाने थे लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में जाने थे। तो गाइस, लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर जनन व मादा जनन भिन्न भिन्न पुष्पों में पाए जाते हैं, एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न पुष्पों में पाए जाते हैं, तो उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब गाइस, पुष्पों में कैसे संभव है कि लैंगिक प्रजनन हो? क्योंकि गाइस, लैंगिक प्रजनन में जो होता है केवल एक ही तंत्र उपस्थित रहता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस, यह कौन से पुष्पों में लैंगिक प्रजनन हो रहा है? तो गाइस, यहां पर हम लोग जो लैंगिक प्रजनन हो रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे अनावृतबीजी पादपों में। आवृतबीजी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन में होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग रहेंगे, और जो अनावृतबीजी पादप रहेंगे उसमें एक ही पुष्प में रहेंगे, अलग अलग उनके संरचनाएं होंगी। तो गाइस, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अनावृतबीजी पादपों में, पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। तो गाइस, आइए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर गाइस, मैंने अनावृत बीजी पुष्पी पादप का चित्र बना दिया है। यहाँ पर मैंने पराग कोष, परागकण, पराग तंत्र को नहीं बनाया है। आइए पहले हम लोग इतना अध्ययन कर लेंगे, फिर उसकी संरचना को बनाएंगे। तो गाइस, आइए हम लोग लिखते हैं अनावृत बीजी पुष्पी पादपों में, अनावृत बीजी पुष्पी पादपों में निषेचन उनमें उपस्थित जननांगों के कारण होता है, उनमें उपस्थित जननांगों के कारण होता है। अब गाइस, यहाँ पे जननांग कौन होगा? जैसे यहाँ पर इतना हो गया पिस्टल का, स्त्री केसर का भाग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आइए अब हम लोग जो है स्टेमेन, पुंकेसर का भाग बनाते हैं। तो गाय जो होता है, हम लोगों को पुंकेसर यहाँ पुष्पासन से जुड़ा रहता है, यहाँ पुष्पासन से ऐसे इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। गाइज, इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना होती है, इसे मैं ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से। इतनी ही नहीं होती गाइस, इसमें ढेर सारी होती है, हम लोग समझने के लिए ऐसे बना रहे हैं। गाइस, यह जो हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे एंथर, पराग कोष। गाइस, इसे में हम लोगों का पालन ट्यूब पाया जाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे फिलामेंट, पराग तंतु, फिलामेंट। तो गाइस, हम लोग जानेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, कौन से पुष्पी पादपों में, अनावृत बीजी पुष्पी पादपों में, उनमें लैंगिक जनन उनमें उपस्थित जननांगों के द्वारा होता है। तो गाइस, इसमें जननांग हो जाएगा पिस्टल और स्टेमेन, स्त्री केसर एंड पुंकेसर। तो गाइस, इसके पहले निषेचन पूर्व परिघटना एंड निषेचन पश्च परिघटना, इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग कक्षा 11 में भी पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों के बारे में जान गए होंगे। तो गाइस, आइए हम लोग आज के इस वीडियो में भी हम लोग पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में बात कर लेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें निषेचन पूर्व और निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो गाइस, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं पुष्प के भागों के बारे में, जितने पुष्प के भाग होते हैं उनके भागों के बारे में। तो गाइस, पुष्प के अंग तो गाइस, मुख्यतः पुष्प के चार अंग होते हैं, केलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। और गाइस, इसमें कुछ और सहायक अंग भी होते हैं, जैसे होगा पेडिकल, हम लोगों का
पुष्प वृंद, इसके पश्चात यहाँ पे पुष्पासन हो जाएगा। इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर इसके पश्चात गाइस पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं, केलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। गाइस इसके पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, पेडिकल क्या होता है और पुष्पासन क्या होता है। तो गाइस पहला है इसका पुष्प वृंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल। गाइस यह पुष्प वृंद क्या है, यह पुष्प को पादप की शाखा से जोड़े रहता है। बस इसका केवल यही कार्य होता है, यह पुष्प को पादप के शाखा से जोड़े रहता है। जैसे गाइस मान लीजिए ये कोई पादप है, और यहीं पे ऐसे यह जो है इसे हम लोग बोलेंगे पेडिकल। फिर इसके पश्चात अब यहीं से पुष्प का निर्माण होगा, यहीं पे अगर ये पुष्प होगा तो गाइस यहाँ पर देखिए यही तो पुष्प को यहाँ से जोड़े हुआ है यही भाग, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे पेडिकल। तो गाइस यही होता है पुष्प वृंद। तो गाइस आइए इसके बारे में लिखते हैं, यह पुष्प को शाखा से जोड़े रहता है, शाखा ब्रांच हो जाएगा से जोड़े रहता है। अब गाय दूसरा इसका भाग आता है पुष्पासन। गाइस पुष्पासन क्या होता है, जैसे देखिए यही है पुष्पासन। पुष्पासन पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर पुष्प विराजमान होता है, उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। जैसे गाइस मान लीजिए यह है पिस्टल का भाग और यहीं पे जैसे मान लीजिए है, तो यह जो भाग है इसे ही हम लोग पुष्पासन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो पुष्प है इसी पर बैठा हुआ है, इसी को धारण किया हुआ है, इसी को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। तो गाइस आइए लिखते हैं, पुष्प जिस पर विराजमान होता है, पुष्प जिस पर विराजमान होता है, उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो गाइस प्रायः ये पुष्प के भाग नहीं है लेकिन आते तो पुष्प की श्रेणी में है, तो इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ लिए। पहला है पुष्प वृंद पुष्पासन, यह पुष्प को शाखा से जोड़े रहता है और पुष्प जिस पर विराजमान होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। गाइस अब आइए हम लोग पुष्प के भाग के बारे में जानते हैं। पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो गाइस हम लोग इसमें पहला हो गया हम लोगों का पढ़ लिए पेडिकल, दूसरा पुष्पासन, अब आइए हम लोग तीसरा पढ़ते हैं केलिक्स। तीसरा है हम लोगों का बाह्य दल पुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं केलिक्स। तो गाय जो बाह्य दल पुंज होता है यह सबसे बाहरी आवरण है, और इसका एक घटक होता है बाह्य दल होता है, इसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सीपल, इसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सीपल। और यह जो सीपल होता है यह जब पुष्प जो रहता है अगर वह कली अवस्था में रहता है तो यह पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करता है और पुष्प को भोजन प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो गाइस आइए लिखते हैं, यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, इसका एक घटक, बाह्य दल जिसे इंग्लिश बोलते हैं सेपल होता है,
जो पुष्प को कलि अवस्था में सुरक्षा व साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो गाइस यह हो गया बाह्य दलपुंज या पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। इसका एक घटक होता है दलपुंज। गाइस यह जो कैलिक्स है या बाह्य दल है, इसी का एक घटक होता है दलपुंज, इसे हम लोग दलपुंज बोलेंगे। जो दलपुंज होता है यह भी प्रायः हरे रंग का ही होता है, यह प्रायः हरे रंग का होता है। और यह पुष्प को, जब कोई पुष्प रहता है वह कलि अवस्था में रहता है तो यह उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जब कोई पुष्प कलि अवस्था में रहता है तो यह उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उस पुष्प को यह भोजन भी प्रदान करता है। तो गाइज हम लोग जान लिए कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स का हिंदी होता है बाह्य दलपुंज। अब आइए हम लोग कोरोला के बारे में जानते हैं। कोरोला का हिंदी होता है दलपुंज। गाइज इसमें चौथा हो जाएगा कोरोला दलपुंज। तो गाइज ये दलपुंज क्या होते हैं? दलपुंज ये हैं, ये प्रायः रंग बिरंगे होते हैं तथा ये किसी भी पुष्प को, किसी भी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और ये रंग बिरंगे होते हैं, ये किसी भी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि गाइज यही तो है दलपुंज, यही है हम लोगों का दलपुंज, यही है हम लोगों का दलपुंज। अब गाइज जो दलपुंज होगा इसे हम लोग बोलेंगे दलपुंज कोरोला। तो गाइज यह जो दलपुंज है, यह दलपुंज इसी प्रकार की इनकी संरचना होती है तथा ये जो दलपुंज होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये किसी भी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भिन्न भिन्न पुष्पों में इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। बस गाइज यही इसका परिभाषा है, यही इसके लक्षण है। यह प्रायः रंग बिरंगा होता है तथा यह किसी भी कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और भिन्न भिन्न पुष्पों के संरचना के आधार पर इनकी भी संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो गाइस ये लिखते हैं, पहला हो जाएगा यह प्रायः रंग बिरंगा होता है, रंग बिरंगा होता है। दूसरा, यह कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और तीसरा, इसका आकार पुष्प के आकार के आधार पर होता है, पुष्प के आकार के आधार पर होता है, आधार पर होता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का कोरोला, जिसका हिंदी होता है दलपुंज। इसका मुख्य कार्य गाइस केवल कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है।
और यह रंग बिरंगा होता है। इसका आकार भिन्न भिन्न पुष्पों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे गाइज मान लीजिए यह कोई दूसरा पुष्प है अनावृत बीजी, अगर हम लोग गुड़हल का ले लेंगे तो गाइज जो दलपुंज होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, जो दलपुंज होगा उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए यह जो दलपुंज है इसकी संरचना भिन्न है, इसकी भिन्न है। तो भिन्न भिन्न पुष्पों में जो दलपुंज की संरचना होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो गाइज जो हो गया दलपुंज कोरोला, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों का इसमें पांचवा है, पुष्प के भाग में पांचवा है, वह है पुमन, जैसे जिसका इंग्लिश होता है एंड्रोसियम। तो गाइज आइए हम लोग पुमन के बारे में जानते हैं। पांचवा हो गया पुमंग। एंड्रोसियम तो गाइस ये पुमंग क्या होता है, जो पुमंग है यह नर जनन तंत्र का भाग है। पुमंग है जो यह नर जनन तंत्र का भाग है, इसे हम लोग पुंकेसर भी बोलते हैं, स्टेमेन भी बोलते हैं। इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा फिलामेंट, एंथर, पालनग्रेन। फिलामेंट, एंथर, पालनग्रेन। गाइस पालनग्रेन जो होते हैं यह एंथर में होते हैं। हम एंथर का हिंदी होता है परागकोश, पालनग्रेन का परागकण और फिलामेंट का होता है पराग तंतु। गाइस हम लोग इन तीनों के बारे में जानेंगे। इसके पहले आइए हम लोग पुमंग के बारे में लिखते हैं। पुमंग क्या होता है, यह नर जनन तंत्र का भाग है, इसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। आइए लिखते हैं, यह नर जनन तंत्र का भाग है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। और गाइस जो हम लोगों का पुंकेसर जिसके हिंदी इंग्लिश होते हैं स्टेमन, इसके तीन भाग होते हैं। गाइस इसके तीन भाग होते हैं, आइए लिखते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। अब गाइस जो तीन भाग कौन कौन से हैं, परागतंतु, परागकण, परागकोश, इसके तीन भाग होते हैं। परागतंतु, परागकोश, परागकण, गाइस हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो गाइस इसके तीन भाग होते हैं। अब इसमें पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इसके तीन भाग कौन से होंगे, तो पहले ये हो जाएगा फिलामेंट, पराग तंतु, पराग तंतु, फिलामेंट, और दूसरा हो जाएगा पराग कोश, पराग कोश, एंथर, और तीसरा हो जाएगा पराग कण। पराग कण पॉलेन ग्रेन। तो गाइस इसके तीन भाग होते हैं, पहला होता है पराग तंतु, दूसरा होता है पराग कोश, तीसरा होता है पराग कण। तो गाइस आइए हम लोग पहले पराग तंतु के बारे में जानते हैं। पहला पराग तंतु, पराग तंतु, तो गाइस ये पराग तंतु फिलामेंट क्या होता है। गाइस यहां पर देखिए यह है फिलामेंट पराग तंतु, यह है पराग कोश को पुष्पासन से जोड़े रहता है। पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली पतले धागे जैसे संरचना को पराग तंतु कहते हैं। पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली पतली धागे जैसे संरचना को पराग तंतु कहते हैं। तो गाइस आइए लिखते हैं, पराग कोश को पराग कोश को
पुष्पासन से जोड़ने वाली पतली धागे जैसी संरचना को पतली धागे जैसी संरचना को पराग तंतु कहते हैं। पराग तंतु कहते हैं। बस गाइज, और इसका कोई कारण नहीं होता है, केवल यह है जो है परागकोष को पुष्पासन से जोड़ने वाली पतली धागे जैसी संरचना को हम लोग पराग तंतु कहते हैं। अब गाइज दूसरा है हम लोगों का परागकोष, तो आइए हम लोग परागकोष के बारे में लिखेंगे, हम लोग पराग तंतु के बारे में जान गए। तो गाइज जब हम लोगों का दूसरा है पराग तंतु, पहला हो गया पराग तंतु, दूसरा है पराग कोष। गाइज इसमें बी वाला हो गया पराग कोष। एंथर। तो गाइज ये पराग कोष क्या होता है, यह पराग कोष जिसमें नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और इसमें लघु बीजाणुधानी पाया जाता है और यह हरे रंग के आवरण से घिरा रहता है तथा यह पराग तंतु के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, इसे हम लोग पराग कोष बोलते हैं। गाइज पराग कोष में लघु बीजाणुधान व परागधान लघु बीजाणु धान व लघु बीजाणु जनन होता है जिसके द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं। तो गाइज आइए इसके बारे में लिखते हैं। तो गाइज इसमें पहला हो जाएगा इसमें नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, इसमें नर युग्मकोद्भिद, इसमें नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। दूसरा इसके आंतरिक भाग में लघु बीजाणुधान पाई जाती है, लघु बीजाणुधान पाई जाती है। और गाइस सी वाला हो जाएगा इसके आंतरिक भाग में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, यह पुष्प के आकार के आधार पर इसकी संरचना होती है, आकार के आधार पर संरचना होता है। गाइज यहाँ पे इसका लिख दें तो अच्छा रहेगा, इसका पुष्प के आकार के आधार पर संरचना होता है, तो गाइज यह हो गया हम लोगों का परागकोष एंथर। एंथर में नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। दूसरा इसके आंतरिक भाग में लघु बीजाणुधानी व लघु बीजाणु जनन ऊतक पाए जाते हैं। और तीसरा भिन्न भिन्न पुष्पों में पुष्पों की संरचना के आधार पर परागकणों का जो होता है वो परागकोष का संरचना भिन्न भिन्न होता है। गाइज परागकोष एक कुंडलित भी होता है और द्विकुंडलित भी होता है। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का परागकोष जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं। अब तीसरा हम लोग जानेंगे परागकण क्या होता है। परागकोष गाइज यही होता है, इसमें नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है,
और इसमें लघु बीजाणु धानी पाया जाता है और लघु बीजाणु जनन पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पुष्प के भाग के बारे में पढ़ने के बाद लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ेंगे और वह कहाँ पाया जाएगा, वह पराकोष में पाया जाएगा। तो गाइस इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, अभी केवल हम लोग इसके भाग के बारे में जान रहे हैं, इसके डिटेल के बारे में नहीं जान रहे हैं, इसके आंतरिक भाग के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो गाइस इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोगों का तीसरा है सी वाला, वह है परागकण। अब गाइस परागकण क्या होता है, पालेन ग्रेन। आइए गाइस इसके बारे में लिखते हैं। पहला यह पराग कोष के अंदर पाया जाता है, यह पराग कोष के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। दूसरा यह नर युग्मक उद्भिद है, तीसरा यह निषेचन की क्रिया में सहायक होता है, यह निषेचन की क्रिया में, यह निषेचन की क्रिया में सहायक होता है। डी इसका व्यास पच्चीस से पचास माइक्रोमीटर तक का होता है। और गाइस पांचवा हो जाएगा, यह गोलीय होता है, और छठवां हो जाएगा यह दो आवरणों से मिलकर ढका होता है, यह दो आवरणों से ढका होता है। बायचोल को होता है, बायचोल बायचोल जिसे इंग्लिश बोलते हैं एग्जाइन, वह अंतःचोल। जिसे बोलते हैं इंटाइन है। नेक्स्ट हो गया, यह दो आवरणों से ढका होता है, बायचोल एग्जाइन व इंटाइन। गाइस यह हो गया परागकण के बारे में, और इसमें एक और है, यह बाय आवरण स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो गाइज इतने टॉपिक हैं परागकण के बारे में। यह परागकोष के अंदर पाया जाता है, यह नर युग्मकोद्भिद है, यह निषेचन की क्रिया में सहायक है। कैसे सहायक है, क्योंकि गाइज यह नर भाग है और मादा भाग पुंकेसर है। पुंकेसर के द्वारा जब तक यहाँ पे नर भाग जाएगा नहीं, तब तक निषेचन क्रिया संभव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए यह निषेचन में सहायक है। और नेक्स्ट है, इसका व्यास जो होता है वह 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। यह हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, अगर हम लोग
जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा देखे तो हम लोग देख सकते हैं। गाइज एक माइक्रोमीटर होता है 10^-9 मीटर, तो गाइज यहाँ पर है 25 से 50 माइक्रोमीटर, तो मतलब हो जाएगा 25×10^-9 मीटर, इतना छोटा होता है गाइज। तो यह हम लोगों को नग्न आंखों से कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देगा। नेक्स्ट है गाइज, यह 2 आवरणों से ढका होता है, बाह्य आवरण बोलते हैं, एक जाइन अंता आवरण बोलते हैं इंटाइन। गाइज जो बाह्य आवरण एग्जाइन होता है वह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अब यह स्पोरोपोलेनिन ज्ञात सभी पदार्थों में ऐसा आवरण है जो बाह्य कारकों से, जैसे वायु हो गया, धूप हो गया, वर्षा हो गया, इन सब से जो है यह परागकणों की रक्षा करता है। क्योंकि गाइज यह जो स्पोरोपोलेनिन होता है यह बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो बायकारकों से पदा इसकी रक्षा करता है। आज तक खोजे गए सभी तत्वों में से ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन का खंडन कर सके, तो गाइज यह सब हो गया परागकण के बारे में। हम लोगों का 5वां था वह था पुमंग, हम लोग पुमंग के बारे में जान लिए। अब गाइज हम लोग जानेंगे जायांग क्या होता है। जायांग या स्त्री केसर का भाग होता है। गाइज यह सब हो गया परागकण के बारे में, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। अब गाइज जो हम लोगों का 6वां है वह है जायांग गायनोसियम। तो गाइज जायांग क्या होता है, आइए इसके बारे में लिखते हैं। यह मादा जननांग है, इसे स्त्री केसर पिस्टर भी कहते हैं। और गाय तीसरा हो गया, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अब गाइज यह 3 प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो गाइज यह 3 प्रकार का होता है, पहला हो जाएगा वर्तिकाग्र, जैसे बोलेंगे स्टिग्मा। दूसरा हो जाएगा वर्तिका, जिसे बोलेंगे स्टाइल। और तीसरा हो जाएगा अंडाशय, जिसे बोलेंगे ओवरी। तो गाइज यह हो गया हम लोगों का जायांग के बारे में, आइए अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो गाइज पहले हम लोग लिखेंगे, इसमें पहला हो जाएगा वर्तिकाग्र। तो गाइज वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिकाग्र ये है जब पुष्प मैच्योर अवस्था में आ जाता है, परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो यह जो स्टिग्मा होता है इस पर कुछ कार्बनिक पदार्थ का स्राव होने लगता है, जैसे जल व शर्करा। तो स्टिग्मा पर जल व शर्करा का स्राव होगा जिसके कारण यहाँ पर चिपचिपा बन जाएगा। जब परागकण के कुछ छोटे छोटे होते हैं, जब परागकण यहाँ पर आएंगे तो यह चिपचिपा रहेगा तो इस पर चिपक जाएंगे। तो गाइस यह होता है हम लोगों का स्टिग्मा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, यह निषेचन की क्रिया में अति महत्वपूर्ण अंग है। परिपक्वता में
इससे जल व शर्करा का स्राव होता है, जल व शर्करा का स्राव होता है, जल व शर्करा का स्राव होता है। तो गाइस यह हो गया इसके बारे में। यह निषेचन की क्रिया में अति महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा, परिपक्वता में इससे जल व शर्करा का स्राव होता है। गाइस तभी तो कोई भी परागकण आएगा यहाँ पर टिकेगा कैसे, अगर यह चिपचिपा ना रहे तो जो परागकण है हवा उसे उड़ा ले जाएगा। तो जब यहाँ पर ये चिपके रहेंगे, यहाँ से जब चिपचिपा पदार्थ स्राव होगा और ये चिपके रहेंगे तो गाइस यहाँ से ये उड़ेंगे नहीं। जब हवा का हवा चलेगा तो यह उड़ेंगे नहीं, तो जिसके कारण यहीं पर चिपके रहेंगे। चिपके होने के पश्चात पालन पिस्टन इंट्रैक्शन होगा, फिर पालन ट्यूब का निर्माण होगा। पालन ट्यूब धीरे धीरे आएगा यहाँ पर अंडाशय में, अंडाशय में बीजांड ओव्यूल में जाएगा और निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगा। तो गाइस हम लोग जान गए वर्तिकाग्र क्या होता है, स्टिग्मा। अब आइए हम लोग वर्तिका के बारे में जानते हैं। वर्तिका गाइस, जो वर्तिका होता है यह है वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़े रहता है। जो वर्तिका होता है यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़े रहता है। वर्तिका वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़े रहता है। इसके पश्चात जब यहाँ पर पालन ट्यूब का निर्माण होगा, जब यहाँ पर पालन ट्यूब का निर्माण होगा, अब गाइस कैसे निर्माण होगा इसको हम लोग पीछे पढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में। तो जब यहाँ से पालन ट्यूब का निर्माण होगा, ऐसे पालन ट्यूब आएगा, तो यह जो पालन ट्यूब है यह पोषण कहाँ से पाएगा, तो यह वर्तिका से पाता है। और यह पालन ट्यूब को मार्ग दिखाता है, जो वर्तिका है यह पालन ट्यूब को मार्ग दिखाता है। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं वर्तिका, वर्तिका के बारे में, वर्तिका। तो गाइस पहला यह पराग नलिका, यह पराग नलिका को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग व पोषण देता है, मार्ग व पोषण देता है। और गाय दूसरा हो जाएगा यह वर्तिकाग्र को, यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़े रहता है, अंडाशय से जोड़े रहता है। अब गाइस जो है पुष्प में निषेचन कभी भी यहाँ पर नहीं होता है, आप लोग ये बात जान जाइए, पुष्प में कभी भी निषेचन यहाँ पर नहीं होता है। पुष्प में निषेचन होता है यहाँ पर, क्योंकि गाइस जब ये पालन ट्यूब आएगा और इसमें टू मेल गैमेट रहेंगे और यहीं पर हम लोगों का रहेगा ओव्यूल्स, बीजांड। बीजांड के अंदर इस प्रकार के भ्रूणकोष की संरचना रहेगी, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो गाइस कभी भी फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ ओव्यूल्स में होता है, ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक में होता है, ओव्यूल्स के एम्ब्रियो सैक में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। आप लोग गाइस ये जान जाइए कभी भी निषेचन यहाँ स्टिग्मा पर होगा ही नहीं, केवल यहाँ पर आएगा परागकण। परागकण से यहाँ पर जो जल व शर्करा है उसका बाहरी आवरण एक जाइन जो है उसको सोख कर फूल जाएगा और अंतावरण इंटाइन जो है वह पालन ट्यूब का निर्माण कर देगा। फिर इसके पश्चात यह पालन ट्यूब स्टाइल से पोषण को प्रदान करते 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 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टू मेल गैमेट को छोड़ देगा। फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल से जाकर के उसका निर्माण कर देंगे, दूसरा जाएगा द्विध्रुवी केंद्रक से जाकर भ्रूणकोष का निर्माण कर देगा। तो गाइस इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसके हम लोग आगे वाले लेक्चर में जानेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल्स में, बीजांड में, ना कि यहाँ पर स्टिग्मा पे। तो गाइस हम लोग जान गए वर्तिका क्या होता है। अब हम लोगों का इसमें है सी वाला तीसरा अंडाशय। गाइस अंडाशय ओवरी। तो गाइस
छोटे छोटे अंडकों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अंडकों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अंडकों से मिलकर बना होता है। यह भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों के आधार पर होता है, पुष्पों के आधार पर होता है, आधार पर होता है। यह बीज का निर्माण करता है, तो गाइज ये तीन टिप्स हो गए इसके बारे में। तो गाइज हम लोग जान गए अंडाशय क्या होता है। अंडाशय छोटे छोटे अंडकों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अंडकों से मिलकर यह उभरा भाग बन जाता है जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। गाइज ये है अंडाशय, यहाँ तक सब कुछ सक रहा है, यहाँ पर उभरा हो गया और यहीं पर जो है छोटे छोटे अंडा पाए जाएंगे। जो अब अंडा होंगे वे भरे रहेंगे तो यह भाग थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो गाइज इसे हम लोग अंडाशय बोलेंगे। यह भिन्न भिन्न पादपों में पुष्पों के संरचनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। और तीसरा, इसी में बीज का निर्माण होता है, इसी में निषेचन की क्रिया होती है, इसी में बीजांड पाया जाता है, इसी में तमाम प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो गाइज हम लोग पढ़ लिए जो है पुष्प के भाग बायदल, दलपुंज, पुमंग, जायांग, और दो भाग इसके और होते हैं वो इसमें नहीं आते लेकिन इसी के भाग में गिने जाते हैं, पुष्पवृंत और पुष्पासन। गाइज हम लोग पुष्प के भाग के बारे में पढ़ लिए, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का रहेगा इसके आगे के बारे में, पुंकेसर, लघु बीजाणु व लघु बीजाणु जनन और उसमें परागकण, इन सबको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।